हेलो भाई, मैं अंकित भाई। आज है अपने पास हीरो की एक्सपर्स 204B। ये पहले 2V आता था 2-valve इंजन के साथ, लेकिन हाल ही में कंपनी ने इसको 4-valve इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। आज हम सारे इसकी प्राइस, फीचर्स, स्पेक्स सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो अपने को इसमें एक ही वेरिएंट मिलता है 3 कलर ऑप्शन के साथ, देख लो इस तरीके का। ये व्हाइट हो गया, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया। इस तरीके का अपने को 3 कलर ऑप्शन मिल जाता है इसमें। ये हम ब्लू वाला देखने वाले हैं। तो इस तरीके का अपने को हेड मिल जाता है भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो वाइजर मिल जाता है, यहाँ पे अपने को नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, बाकी इस तरीके का अपने को हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसमें अपने को फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। मतलब हेडलैम्प आपको पहले ही वाला मिलता है 2V वाला ही, लेकिन थोड़ा बहुत आप ध्यान से देखोगे तो एलिमेंट चेंज करा गया है। यहाँ पे हीरो की बैजिंग भी दी गई है। बाकी इस तरीके का अपने को इंडिकेटर मिल जाता है। इंडिकेटर भाई फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे हीरो ने कॉस्ट कटिंग करा है। जैसे यहाँ पे LED दे देती तो और भी अच्छा लुक निकल के आ जाता, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो इस तरीके का अपने को फ्रंट मडगार्ड मिल जाता है, और यहाँ पे ग्राफिक्स भी दिया गया। जिस कलर में लोगे आपको उस तरीके का ग्राफिक्स मिल जाएगा। मतलब ये फुल्ली ऑफ रोडिंग बाइक है, तो भाई देख लो इस तरीके का अपने को मडगार्ड मिलता है भाई। और इसमें अपने को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि एंटी फ्रिक्शन बूस्ट है भाई। ये वाला अपने को बहुत ही बड़ा मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कवर भी दिया गया, जिससे लुक तो बढ़ ही जा रहा है भाई, साथ ही कंफर्टेबल भी आपको बहुत ही होने वाला है राइड करते टाइम। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके का मडगार्ड मिल जाता है रियर में। टायर देख लो भाई, फुल्ली ऑफ रोडर टायर मिलता है अपने को। इसमें अपने को सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट में 276mm का डिस्क दिया गया है, बाकी रियर में 220mm का अपने को डिस्क मिल जाता है। इसमें ड्यूल चैनल ABS देखने को नहीं मिलता, सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जो सिर्फ फ्रंट में है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो यहाँ पे अपने को 90x90x21, मतलब ये 90 है, ये 90 है, और 21 इंच का आपको एलोय मिल जाता है। एलोय तो नहीं है भाई, स्टील रिम है, तो 21 इंच का आपको टायर मिल जाता है। और इसमें टायर यूज करा गया है CE80। बाकी यहाँ पे अपने को दोनों साइड रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, देख लो इस तरीके का रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी साइड से आप देखते हो ना, तो आपकी एक्सपल्स 204 भी इस तरीके की दिखती है। मतलब काफ़ी ऑफ रोडिंग बाइक को जैसा मस्कुलर बनाया गया है। अब पहले 2V आता था वैसा ही डिजाइन आपको मिलता है। थोड़ा बहुत आप माइनर सा देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ग्राफिक्स आपको अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे आप फ्यूल टैंक देखोगे ना, यहाँ पे आपको को टैंक पैड मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है, जब आप बाइक परचेज करोगे तो पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपल्स 200 की बैजिंग दी गई है। ये अपने को नॉर्मल स्टिकर मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 4-valve का बैजिंग दिया गया। पहले आपको 2-valve इंजन मिलता था, लेकिन इसमें 4-valve इंजन दिया गया। बाकी इस तरीके का अपने को इंजन मिल जाता है भाई, ड्यूल टोन में। कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज करा गया है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके का क्रैश गार्ड दिया गया है। क्रैश गार्ड ठीक ठाक है भाई, मतलब आप गिरोगे तो पैर आपका बच जाएगा भाई मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपने को रेडिएटर मिल जाता है। इसमें ऑयल कूल्ड इंजन आता है, इसलिए इसमें रेडिएटर भी दिया गया। और यहाँ पे अपने को स्किड प्लेट मिलता है भाई, एल्युमिनियम कलर का। पहले आपको स्किड प्लेट देखने को नहीं मिलता था, इंजन काउल कवर मिलता था, लेकिन इस बार स्किड प्लेट दिया गया है। और यहाँ पे अपने को गियर वाला मिल जाता है भाई इस तरीके का, सिर्फ सिंगल गियर वाला दिया गया। इसमें अपने को 5-speed तक मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। इंजन के बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। बाकी फुटबैग देख लो भाई, इस तरीके का अपने को फुटबैग मिल जाता है। ये वाला आप चाहोगे ना तो निकाल भी सकते हो। जैसे आपको ऑफ रोडिंग रास्तों पर चलना है तो ये वाला निकाल लोगे ना, तो जिससे आपका पैर का ग्रिप पकड़ा रहेगा भाई। यहाँ पे आप देखो इस तरीके का डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे अपने को पिलियन के लिए फुटबैग मिल जाता है। इसमें भी रबर मिलता है अपने को, इसमें भी रबर दिया गया है। बाकी स्टैंड देख लो अपने को, इसमें सिंगल स्टैंड मिलता है, ड्यूल स्टैंड इसमें नहीं दिया गया। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो सारी गार्ड दिया गया, लेकिन लेडीज के लिए फुटबैग वगैरह नहीं दिया गया है। और चैन अपने को भाई ओपन मिलता है, इसमें कवर चैन नहीं दिया गया है। भाई कवर चैन दे देना चाहिए कंपनी को, क्योंकि भाई जैसे ये कीचड़ वगैरह रास्ते में जा रही है तो थोड़ा चैन का मेंटेनेंस भाई खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी लुक के लिए सही है भाई। अगर आप लुक के पर्पज से देख रहे हो तो लुक अच्छा निकल के आता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हीरो का लोगो दिया गया भाई, जो कि 3D नहीं है, नॉर्मल आपको लोगो मिलता है। और यहाँ पे हीरो की बैजिंग दी गई है, और इस तरीके का अपने को ग्रैब्रेल मिल जाता है। सीट देखते हो ना भाई, सीट आपको ज़्यादा वाइड तो नहीं मिलता, लेकिन भाई काफ़ी आपको कंफर्टेबल फील होने वाला है इस पे बैठोगे। जब आप यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक अपने को सीट मिलता है। सीट का कुछ नहीं, अपने को बहुत ही बढ़िया मिलता है। इस पे मैं बैठूंगा तब जाके आपको बताऊंगा। अरे यहाँ पे अपने को सीट खोलने के लिए नोब मिल जाता है भाई, अपने को सीट के नीचे इतना स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे अपने को ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिलता, यहाँ पे अपने को फर्स्ट एड मिल जाता है, रिंच वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एयर फिल्टर वाला दिया गया है, इतना ही अपने को स्पेस मिलता है सीट के नीचे। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ना, इस तरीके अपने को ग्रैब्रेल मिल जाता है, दोनों साइड आप पकड़ सकते हो। और यहाँ पे कुछ बॉक्स वगैरह, जैसे आप टूर के लिए निकल गए हो लॉन्ग टूर के लिए, तो यहाँ पे आप बॉक्स भी रख के बांध सकते हो। और बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके का अपने को टेल लाइट मिल जाता है, जो कि LED टेल लाइट है। थोड़ा थोड़ा भाई आप जैसे देखोगे MT-15 आपने देखा होगा, वैसा ही मेरे को तो टेल लाइट लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो हीरो की बैजिंग दी गई है, और इंडिकेटर मैंने आपको दिखला दिया। बाकी यहाँ पे आप हीरो की बैजिंग दी गई है, और यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे लाइट दिया गया है नंबर प्लेट के लिए, बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट, और इस तरीके का अपने को मडगार्ड मिल जाता है। मडगार्ड भाई अपने को फ्लेक्सिबल नहीं मिलता, नॉर्मल मडगार्ड दिया गया भाई। बाकी अगर राइट साइड की बात करते हो ना,
तो आपकी 204 भी इस तरीके की दिखती है। जैसा उस साइड डिजाइन दिया गया वैसा इस साइड भी डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो हैंड गार्ड भी दिया गया, इस पर बैजिंग भी दिया गया है। और यहाँ पे आप मिरर पे भी देखोगे तो थोड़ा सा फिनिशिंग दिया गया, पूरा नहीं दिया गया, लेकिन पूरा रहता तो भाई मेरे हिसाब से और भी बढ़िया लुक निकल के आ जाता। फ्यूल टैंक का शेप आपको इस तरीके का मिलता है ना, जैसे आप बैठते हो तो आपका पैर यहाँ पे आ जाएगा, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होगा भाई। और यहाँ पे 4 वाल्व की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे प्रोग्राम FI की बैजिंग मिल जाती है। बाकी इसमें की का स्टार्टर भी आता है। ब्रेक वाला देख लो, ब्रेक वाले में आपको रबर नहीं मिलता, और इस तरीके का अपने को राइडर के लिए ये हो गया, पिलियन के लिए। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम आप देखते हो ना, तो काफ़ी ऊंचा एग्जॉस्ट सिस्टम अपने को मिलता है। मतलब जैसे ऑफ रोडिंग बाइक है तो नीचे ना दे के कंपनी ऊपर दी है, जैसे आप उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रहे हो तो टच ना हो, इसीलिए कंपनी ने ऊपर दे दिया। और यहाँ पे इस तरीके का मफलर दिया गया है। गियर के टायर प्रोफाइल की बात करें तो भाई अपने को मिलता है 120x80x18। मतलब फ्रंट वाला आपको 21 इंच का मिलता है, लेकिन रियर वाला 18 इंच का दिया गया है। ये 120 है, ये 80 है, और 18 इंच का स्टील रिम दिया गया है। और रियर में अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि रेक्टेंगुलर है भाई। मतलब ठीक ठाक कंफर्टेबल इसमें मिल जाएगा आपको, जैसे आप लॉन्ग राइड भी कर रहे हो तो सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया दिया गया। मोनोशॉक आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करने वाली है, कंफर्टेबल। बात करें इसके इंजन की तो इसमें अपने को 199.6 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि लिक्विड कूल प्रोग्राम FI फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, जो मैक्सिमम अपने को 18.8 bhp का पावर और मैक्सिमम 17.35 nm का टॉर्क निकाल के देता है। मतलब ठीक ठाक पावर फिगर दिया गया है इसमें भाई, काफ़ी अच्छा अपने को पावर फिगर मिल जाता है। ये बाइक आपको माइलेज 35-40 kmph तक दे देगी भाई मेरे हिसाब से। बाकी कंपनी तो ऐसे 45 kmph तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में उतना देना चाहिए भाई, क्योंकि जितना पावर फिगर है उसके हिसाब से अपने को बहुत ही माइलेज अच्छा मिलना चाहिए। कंपनी तो कहती है कि माइलेज मिल जाएगा, देखते हैं भाई रियल लाइफ में जब आप टेस्ट करेंगे तो भाई समझ में आएगा। बात करें इसके कुछ डायमेंशन की तो इसमें अपने को 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन नहीं जाना आता है। इस बाइक का सीट हाइट है भाई 825 mm। इस पर मैं बैठ के देखता हूँ भाई, और इसमें अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 220 mm का, जो कि ठीक ठाक है भाई ऑफ रोडिंग बाइकों के लिए। 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया है। स्किड प्लेट भी मिल जाता है, इसकी वजह से आपको मतलब टच नहीं होगा भाई। देख लो यहाँ पे भी स्किड प्लेट दिया गया, जैसे यहाँ पे साइलेंसर के पास, जैसे नीचे से अगर लगता है बाय द वे तो कुछ नुकसान ना हो आपके गाड़ी में, इसीलिए स्किड प्लेट दिया गया। और भाई इसका क्वालिटी बहुत ही अपने को बढ़िया मिलता है। इसका टोटली कर वेट है 158 kg, मतलब 158 kg इसका वेट है। इस तरीके का दिखता है भाई, अगर आप जैसे देखते हो सामने से तो इस तरीके दिखता है। यहाँ पे अपने को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, इसमें आपको मैप वगैरह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को RPM का मिल जाता है, यहाँ पे गियर पोजीशन, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ऑडोमीटर, ट्रिप एवरेज टाइम, ब्लूटूथ मैप, मतलब इसमें आपको जो आज के डेट में एडवांस फीचर चल रहा है वो सब आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो तो कुछ इंडिकेटर भी दिया गया है। बाकी की बात करते हो ना तो की अपने को इस तरीके का मिलता है भाई, नॉर्मल सा जो स्प्लेंडर में आता है। स्प्लेंडर में तो नहीं ये वाला आता है, सुपर स्प्लेंडर पैशन प्रो में आता है भाई, वही वाला की मिलता है। थोड़ा सा की इम्प्रूव हो सकता था। और इस तरीके का अपने को हैंडल बार मिल जाता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो पासिंग का बटन मिल जाता है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम का बटन मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न एक बार मैं हॉर्न भाई अपने को सिंगल ही मिलता है, ठीक ठाक हॉर्न है, लेकिन थोड़ा सा और लाउडली हो सकता था, हॉर्न ठीक है भाई। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपने को इंटीग्रेटेड स्विच मिल जाता है, इसमें सेल्फ स्टार्ट और इंजन किल स्विच अपने को दोनों मिल जाते हैं। एक बार मैं गाड़ी चालू करता हूँ, इस तरीके का अपने को ये वाला लाइट मिल जाता है, और आप जब हाई बीम करते हो यहाँ बहुत ही अच्छा विजिबिलिटी है भाई, देख लो कितना विजिबिलिटी अपने को तगड़ा मिलता है। और एग्जॉस्ट साउंड सुन जाता है, काफ़ी अपने को मस्त एग्जॉस्ट साउंड मिलता है भाई, मतलब स्मूथ एकदम एग्जॉस्ट साउंड मिलता है, ना ज़्यादा मुस्कुलर ना ज़्यादा कम। और ये वाला पिलर आप देख लो, इस तरीके का पिलर मिलता है, मतलब इसमें ज़्यादा नीचे तो नहीं दिया गया, सब कुछ ऊपर के साइड दिया गया है। मतलब थोड़ा थोड़ा आप देखोगे ना काफ़ी ऊंचा लगता है गाड़ी, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे रोड पे लेके चलोगे तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन आने वाला है। रोड के लिए तो ये बाइक बनी नहीं है, ये ऑफ रोडिंग करने के लिए टूरिंग के लिए बनी हुई है, लेकिन जैसे कोई बंदा रोड पे लेके चला जाता है तो पब्लिक का अलग रिएक्शन रहता है भाई। और इस पे बैठ के देखते हैं भाई, मेरा हाइट 5'10" के अराउंड है, तो भाई मेरा देख लो पैर टिक रहा है, मतलब इतना पैर आ रहा है। जैसे आपका हाइट 6 feet हो तो भाई आप आराम से इस बाइक को यूज कर सकते हो, नहीं तो भाई मतलब मैं भी आराम से यूज कर सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि यूज नहीं कर सकता। मेरा हाइट 5'10" है, जैसे आप 5'5" भी है, 5'6" है तो नहीं चला सकते भाई, बहुत ही सीट हाइट है भाई, बहुत ही बड़े हो तो भी लेना भाई इस बाइक को, नहीं तो चलाने में आपको बहुत ही दिक्कत आने वाला है। और सिटिंग पोजीशन की बात करें तो भाई मैं बतला रहा था ना आपको, बहुत ही कंफर्टेबल अपने को सिटिंग पोजीशन मिलता है। जैसे आप लॉन्ग ड्राइव करते हो इस बाइक पे, टूरिंग करते हो या फिर ऑफ रोडिंग करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है इस सिटिंग पोजीशन के मामले में। जैसे देख लो मैं यहाँ पे पैर रख रहा हूँ,
तो इस तरीके का मैं आपको शेप बतला रहा था ना, इस तरीके का यहाँ पे अपने को शेप मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके पैर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला चलाते टाइम। और यहाँ पे टैंक पैड भी दिया गया, जैसे आप यहाँ पे भी सामान थोड़ा कैरी करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे इतना स्पेस बच जा रहा है, मतलब दो जने आराम से इस बाइक पे कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे या फिर ऑफ रोडिंग करते टाइम। ऑफ रोडिंग करते टाइम तो भाई दो बंदे तो बैठ नहीं सकते, सिंगल ही बंदा चलाता है, मतलब इस पे दो जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तीन जने तो भाई अगर एडजस्ट करना चाहो तो बैठ सकते हो, लेकिन तीन जने को भाई नहीं बैठना चाहिए, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। और गाइस बात करें इसके प्राइजेज की, तो इस वाले शोरूम में इसका प्राइज है 1,54,000 के आसपास, इसका ऑन रोड प्राइज है। बात करें दिल्ली के प्राइजेज की, तो इसका एक शोरूम है भाई 1,30,000 रुपये, मतलब इसमें जो मैं आपको बतला रहा हूँ 1,30,000 रुपये, इसमें आपको RTO इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ेगा। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा शाहबाद मोटर को, अगर आप सासाराम फिर या फिर रोहतास या फिर खासकर बिहार से भी बिलोंग करते हो तो आप इनके शोरूम में जरूर विजिट कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही था भाई एक्सपर्स 204B का पूरा डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।